आप जो ये एम्बुलेंस की तस्वीरें देख रहे हैं, यह कोई एक्सीडेंट हुई एम्बुलेंस नहीं है, ना ही कोई आम एम्बुलेंस है। यह वही एम्बुलेंस है जिसे गर्भवती महिलाओं के लिए स्पेशल योजना के तहत चलाया गया था, जिसका नाम खुशियों की सवारी रखा गया था, क्योंकि इस एम्बुलेंस की वजह से ना जाने कितनों के घर में नए मेहमान की किलकारियां गूंजी थी। लेकिन स्वास्थ्य विभाग की अनदेखी के चलते खुशियों की सवारी अब अपनी बदहाली के आंसू बहाने को मजबूर है। इस योजना की दिशा ही बदल गई है। जच्चा बच्चा को घर तक पहुंचाने की योजना केवल कागजों तक ही सिमट कर रह गई है। आपको बता दें कि वर्ष 2011 में किराए के वाहनों से इस योजना की शुरुआत हुई थी। योजना के सफल होने के बाद सरकार ने वर्ष 2013 में वाहनों को खरीदकर इस योजना का संचालन किया, लेकिन प्रदेश सरकार की सफल योजना अब पीपीपी मोड पर चली गई, जिसे वाहनों की दुर्दशा का कारण भी माना जा रहा है। तो वहीं जिम्मेदार अधिकारियों को खुशियों की सवारी वाहनों का खराब होना संभव नहीं लगता है। खुशियों की सवारी हमने पीपीपी मोड में दी है, तो ऐसा संभव नहीं है कि वो ख़राब है, क्योंकि हमने एक शॉट जो चला रहा है उसी को खुशियों की सवारी दी है, तो व्यवस्था बनाने का उसका वो है। हम वो पीपीपी हमारा पार्टनर है, हम उससे पूछेंगे और व्यवस्था सुधारने के लिए कहेंगे। खुशियों की सवारी वाले वाहन सरकारी अस्पताल के कोनों में खड़े होकर अपनी अनदेखी कहानी बयान कर रहे हैं। वहीं मामले में पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री इंदुमन का कहना है कि सरकारी योजनाओं का निजीकरण करने से एम्बुलेंस व्यवस्था चरमरा गई है। उनका कहना है कि अधिकारी बेबस हैं और सरकार का इस पर कोई ध्यान नहीं है। देखिए, सरकार द्वारा जच्चा बच्चा को लाभ पहुंचाने के लिए, ताकि आशा जो कार्य करती हैं उनको सरकारी अस्पतालों में थोड़ा सुविधा से ले जा सकें और जच्चा को और बच्चा को जन्म के समय, प्रसव के समय सुविधा मिल सके, और इससे बहुत फ़ायदा था, लाभ था गांव की महिलाओं को, विशेष तौर पे पहाड़ की महिलाओं को बहुत लाभ था कि उनको, क्योंकि वो बहुत दूरस्थ एरियाज़ में रहती हैं, तो उनको अस्पताल ले जाने के लिए या फिर छोटे छोटे जो वहाँ पे नर्सिंग होम बने हुए हैं वहाँ ले जाने के लिए बहुत लाभ होता था। लेकिन पूरी व्यवस्था जो ये एम्बुलेंसेस की है, बिल्कुल जर्जर हालत में है। मैंने पता भी किया तो मुझे पता चला कि जो एम्बुलेंसेस हैं, दो एम्बुलेंस हैं, वो भी जर्जर हालत में है। ये मैं काशीपुर की बात कर रही हूँ, और ड्राइवर एक ही है, और पूरी व्यवस्था उसके अलावा भी जो वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनका प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया है। इस प्राइवेटाइजेशन के कारण जो व्यवस्था है, टोटल व्यवस्था विहीन हो चुका है सारी व्यवस्था। और खुद देखिए बोल नहीं सकते हैं, लेकिन सारे अधिकारी भी, मुझे ऐसा एहसास होता है बात करने पर कि कहीं ना कहीं वो अपने आप को असहाय पाते हैं। और इसीलिए कई बार हमें देखने को मिलता है कि प्रसव के लिए महिला जा रही थी और रास्ते में या टेम्पो पे या अस्पताल की गेट पे प्रसव हो जाता है। बड़े दुख की और शर्म की ये बात है, चिंता की, कि सरकार का इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है कि जो चिकित्सा व्यवस्था है वो तो बिल्कुल दुरुस्त होनी चाहिए। उधर बीजेपी नेत्री प्रियंका अग्रवाल का कहना है कि विपक्ष बात का पतंगड़ बना रहा है। धामी सरकार की ओर से सभी योजनाओं को अच्छे से संचालित किया जा रहा है। इतना ही नहीं, सरकार ने पहाड़ों पर भी एयर एम्बुलेंस का इंतजाम कर दिया है। धामी सरकार चिकित्सा क्षेत्र में हाईटेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहा कि अगर कुछ वाहन खराब भी हैं तो उन वाहनों को सही किया जा रहा है। विपक्ष का काम है कुछ न कुछ बातों को पतंगड़ बनाना। सरकार ने, प्रदेश सरकार हो चाहे कोई भी सरकार हो, उन्होंने बहुत सी ऐसी योजनाएं बनाई, उसमें से एक है खुशियों की सवारी। खुशियों की सवारी को अगर आप कह रहे हैं कि नहीं, बहुत सही हालत में वो नहीं है, आप जाके देखिए कितनी अच्छे से वो चल रही हैं सवारी। चिकित्सा के क्षेत्र में धामी सरकार ने कितनी अच्छी अच्छी योजनाएँ लाए हैं, यह आप पहाड़ों के एरिया में जाके देखिए, वहाँ पर सड़कें नहीं हैं तो उन्होंने एयर एम्बुलेंस चला दी है, ठीक, और कितनी कितनी हाईटेक टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें क्या विपक्ष को दिखता नहीं है? मैं तो केवल इतना ही कहना चाहूँगी कि और जो भी जर्जर हालत में भी अगर है तो सुधार किया जा रहा है उसमें, और सुधार करके फिर आप देखिएगा खुशियों की लहर ऐसे ही दौड़ेगी। प्रदेश सरकार की ओर से गर्भवती महिलाओं के जीवन में खुशियां लाने के लिए खुशियों की सवारी 102 सेवा की सौगात दी गई थी, लेकिन आज गर्भवती महिलाओं के लिए वरदान बनी खुशियों की सवारी कहीं ना कहीं प्रदेश से लुप्त होने के कगार पर है। स्वास्थ्य विभाग का फेलियर कहें या फिर सरकार की नजरअंदाजी कि जीवनदायिनी एम्बुलेंस अपनी बदहाली पर आंसू बहा रही है। मामले में राजनीति तो हो ही रही है, वहीं इसके लिए जिम्मेदार लोग खराब पड़े वाहनों की खबर ही नहीं कर रहे हैं। ऐसी स्थिति से सरकार का दूरस्थ गांव तक बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंचाने का लक्ष्य अधर में लटकता नजर आ रहा है। संवाद 365 के लिए काशीपुर से अजहर मलिक की रिपोर्ट।
आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter और कू ऐप पर फॉलो भी कर सकते हैं। और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।